हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नए धमाकेदार वीडियो में। ये जो बाइबल है ना भैया, ये कोई खेल नहीं है बाबा, समझना और याद रखना इस बात को। बाइबल में बताती है एक बार मरना और फिर उसके कामों के अनुसार उसका न्याय करना बहुत ही जरूरी है। वीडियो को पूरा देख लेना, ठीक है भैया? तो चलिए जी, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तुझसे कौन न डरेगा और तेरे नाम की महिमा न करेगा, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है और सारी जातियां आकर तेरे सामने दंडवत करेंगी, क्योंकि तेरे न्याय के काम तो प्रकट हो गए हैं, मगर आज मनुष्य सच्चाई कौन देखा कर रहे हैं। परमेश्वर नहीं चाहता है कि मेरे बेटे बेटियां नरक जाएं, सबको मन फिराने का अवसर दिया जाए, अभी मौका है, संभल जाओ, वरना वचन कहता है जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना एक बहुत भयानक बात है मेरे भाई। अगर आपके पास चाहे जितनी सुंदर गर्लफ्रेंड है तो अभी उसे गुड बाय बोल दो, छोड़ दो, वरना यही हस्ती आपको एक दिन नरक में डुबा कर रख देगी, नरक में लेकर चली जाएगी, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है भैया कि परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय करे। मन फिरा लो, अंत का दिन चल रहा है, बचा लो अपने आप को नरक जाने से। वहां एक दो दिन के लिए नहीं डाला जाएगा, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए युगानुयुग के लिए डाल दिया जाएगा। पहले तो मरने के बाद आपकी आत्मा अधोलोक में चली जाएगी और फिर उसके बाद आपकी आत्मा अधोलोक से निकाल कर श्वेत सिंहासन के सामने खड़ा कर दिया जाएगा और फिर उसका न्याय किया जाएगा और वही शरीर पहनाया जाएगा जिसमें अपने व्यभिचार और गलत काम किया है इस पृथ्वी पर। फिर परमेश्वर को वहाँ डाल देगा जहाँ आग जलाएगी और कीड़े काटेंगे, बहुत तड़पाया जाएगा। जरा सोचो, अगर आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न होगा तो पहले तो परमेश्वर को 7 साल के लिए इसी पृथ्वी पर तड़पाएगा और फिर उसके बाद परमेश्वर को उसी आधार पर परमेश्वर को नरक में फेंक देगा जहाँ की आग कभी नहीं बुझेगी और कीड़े कभी नहीं मरेंगे। जब आग कभी नहीं बुझेगी और कीड़े कभी नहीं मरेंगे तो क्या हाल होगा उस व्यक्ति का, जो व्यक्ति नरक में जाएगा। कीड़े नहीं मरेंगे, आग कभी नहीं बुझेगी, अगर एक बार उस नरक में चले गए तो हमेशा के लिए गए, कोई वहां से आपको निकलने नहीं आएगा। उस धनवान की तरह एक बूंद पानी के कारण आपकी जी बैठेगी, प्यास के मारे आपकी जी बैठेगी। ईश्वर ने कहा था, अवसर को बहुमूल्य समझो, आपको अवसर मिला है, अपना मन फिरा लो, एक दूसरे को देख देख कर अपना जीवन मत व्यतीत करो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना, उस व्यक्ति को नहीं चुना है। फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है, जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वह मलिन ही बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र ही बना रहे। देख, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, यीशु मसीह साफ कह रहे हैं भैया, मैं बहुत जल्द ही आने वाला हूँ और हर एक काम के अनुसार प्रतिफल बदला देने के लिए मेरे पास है, यीशु मसीह के पास है। जो पाप कर रहे हो परमेश्वर गिन कर लिस्ट बना रहा है, जब परमेश्वर आपका न्याय करेगा स्वच्छ सिंहासन के सामने, तब आपको वही लिस्ट खोल के दिखाया जाएगा, फिर वहाँ कोई क्षमा नहीं दी जाएगी, वहाँ सिर्फ न्याय किया जाएगा और उसको उसी न्याय के आधार पर परमेश्वर उसको न्याय करके परमेश्वर उसको वही शरीर पहना के परमेश्वर उसको नर्क में फेंक देगा। इतनी भयानक सजा, इतना भयानक दंड देगा परमेश्वर, वो भी अनंत काल की। आज लोग यीशु को खिलौना बना के रख दिया है, मजाक बना के रख दिया है कि यीशु नहीं है, परमेश्वर है ही नहीं। तब आपको वहाँ सब कुछ पता चल जाएगा उस अनंत काल की आग में, तब आग जलाएगी और कीड़े काटेंगे, कीड़े नोच नोच कर काटेंगे। यीशु ने कहा था, आग कभी नहीं बुझेगी और कीड़े कभी नहीं मरेंगे। जिस चमड़ी पर आपको घमंड है, एक दिन परमेश्वर उसको आग में जिंदा ही जलाएगा, बहुत तड़पाया जाएगा, क्योंकि आज सारा का सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है, जिसे परमेश्वर ने श्वेत सिंहासन के सामने नीचे पृथ्वी पर गिरा दिया था, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन छीनना चाहता था। जैसे प्रकाशित वाक्य 20:14-15 वचन में लिखा हुआ है, पढ़ देते हैं बाइबल से प्रूफ आपके लिए। और मृत्यु और अधोलोक की आग की झील में डाले गए, या आग की झील तो दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वह आग की झील में डाला गया। देखिए, अगर आपका नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं होगा, अगर आप संसारिक जीवन बिता रहे हो और आपका नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न पाया जाएगा, तो स्वर्गदूत उठाकर खींच तान कर उसको अंदर की आग की झील में डाल देंगे, जहाँ आग जलाएगी और कीड़े काटेंगे, बड़े बड़े कीड़े होंगे, फिर उसको वहाँ से निकालने के लिए कोई नहीं आएगा उसे धनवान की तरह। प्रकाशित वाक्य 20:10 में लिखा हुआ है, और उनका भरमाने वाला शैतान, जो हम सभी को भरमाता है, वह आग की झील में, जिसमें वह पश्च और झूठा भविष्य दखता होगा, डाल दिया जाएगा और वह रात दिन युगानुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। जब परमेश्वर अंतिम न्याय करेगा श्वेत सिंहासन के सामने, तब उसको हमेशा हमेशा के लिए युगानुग के लिए उस नरक में डाल दिया जाएगा और वे रात दिन युगानुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। इसलिए अपना समय प्रार्थना में बिताओ। रैप्चर कभी भी हो सकता है, किसी घड़ी भी हो सकता है,
यहाँ छूट मत देना, अगर यहाँ पर कोई छूट जाएगा उसको दोबारा लेने के लिए कोई नहीं आएगा, उसके लिए कोई आस्की किरण नज़र नहीं आएगी, वे लोग बिन चरवाहों की भेड़े बन जाएंगे। ऑलरेडी आपको बता ही दिया गया है भैया, इसलिए यीशु ने कहा था तुम जागते रहना और प्रार्थना करते रहना, मैं किसी दिन या किसी घड़ी आ सकता हूँ। तुम्हारा मन कहीं जीवन की चिंताओं से सुस्त ना हो जाए, बस तुम तैयार रहना, मैं किसी दिन भी आ सकता हूँ, किसी घड़ी भी आ सकता हूँ, किसी भी समय आ सकता हूँ। जैसा नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जब लोग घर बनाते होंगे, शादी ब्याह होती होंगी, तब तक उनको जल प्रलय कर बहा ना ले गया, तब तक उनको कुछ मालूम ना पड़ा। अगर यहाँ पर कोई छूट जाएगा तो उसका क्या हाल होगा? पहले तो 7 साल तक इस पृथ्वी पर मसीह विरोधी के दिन में तड़पाया जाएगा, जितनी मोहरें खुलती जाएंगी उतना ही हाहाकार मचता जाएगा इस पृथ्वी पर। और उसके बाद परमेश्वर जब अंतिम न्याय करेगा श्वेत सिंहासन के सामने, और जिस किसी का नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न होगा तो उसको स्वर्गदूत घसीट कर खींच तान कर नर्क में फेंक देंगे। इसलिए यीशु ने कहा था आग कभी नहीं बुझेगी और कीड़े कभी नहीं मरेंगे। अभी समय सुधर जाओ, लौट आओ यीशु के पास, परमेश्वर आपको माफ कर देगा। परमेश्वर किसी को जबरदस्ती नर्क में डालना नहीं चाहता है। जब आप खुद पाप करके नर्क में जाना चाहते हो तो उसमें परमेश्वर क्या करे भाई? परमेश्वर न्याय, परमेश्वर आपका न्याय करेगा। परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता है। आप सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की।